नहीं है, लेकिन यहाँ पे अभी कैसे है, ये जो क्रॉसिंग है यहाँ पे अगर कोई जा रहा है इसके ऊपर से तो गाड़ियाँ अपने आप खड़ी रह जाती है। देखिए यहाँ से वो बुढ़िया औरत आ गई, उसको देख के पीछे देखो कितनी बड़ी लाइन लग गई है, सब गाड़ियाँ खड़ी रह गई। लाओस में भी करोड़पति बन गया था, वहाँ से मैं चीन गया, चीन में फिर से गरीब बन गया, और चीन से मैं अभी मंगोलिया आया, मंगोलिया में फिर से करोड़पति बन गया। लाखों में खेल रहा हूँ, यहाँ पे लाख लाख रुपए के नोट मिल रहे हैं मुझको। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। अब मैं अभी उलानबातार में हूँ, मंगोलिया का जो कैपिटल है। यहाँ पे अभी सुबह के 7:23 हो रहे हैं, अच्छी खासी धूप निकली है, वातावरण क्लाइमेट थोड़ा ठंडा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मुझे सुबह के नाश्ते का इंतज़ाम करना है यहाँ पे, तो यहाँ की आप बसेस दे सकते हैं। तो अब मैं कुछ नाश्ते का इंतज़ाम करने जा रहा हूँ। यहाँ पे होटल मुझे बहुत कम दिखाई दे रहे, और जो भी होटल है वहाँ पे कुछ बहुत संभल के खाना पड़ रहा है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी जगह पे हॉर्स का मीट मिल रहा है बहुत सी होटल्स में, तो सब कुछ देखते हुए जाना पड़ रहा है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक सुपर मार्केट है, तो मैंने सोचा है कि वहाँ से कुछ ब्रेड ले लूँ मैं, और मिल्क भी है वहाँ पे, तो थोड़ा सा मिल्क और कुछ ब्रेड लेके वही मेरा नाश्ता हो जाएगा आज का। फिर बस देखिए, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्या क्या मिल रहा है। अरे ये खोला भी नहीं शायद अभी, अरे यार तो अब कहाँ पे जाऊँ मैं। ये मेरा खाना मतलब ब्रेकफास्ट है सुबह का। एक्चुअली मैं कुछ देर पहले एक जगह पे गया था, लेकिन शॉप खुली नहीं थी। मेरा आज का प्लान था कुछ ब्रेड लूँगा और वहाँ से मैं दूध खरीदूँगा, ब्रेड और दूध ही मेरा आज का मतलब ब्रेकफास्ट रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो शायद यहाँ पे दुकानें बहुत लेट खुलती है, तो मुझे ये हॉस्टल वालों की तरफ से खाना इंक्लूड था, मुझे पता नहीं ब्रेकफास्ट इंक्लूड है यहाँ पे, तो उन्होंने अभी मुझे ला के दिया है। ये कुछ दो टोस्ट है, ये चीज़ है, और ये जो आप देख रहे हैं ये आप जो बकरे का जो मीट होता है उससे ये बनता है। ये कल मैंने एक से पूछा था ये क्या है, उन्होंने बोला ये जो बकरे का जो मीट होता है उससे ये बनता है। एक अंडा दिया है, और ये शायद से कुछ कॉफ़ी, और ये शुगर के कुछ जो ब्लॉक है, शुगर का कुछ टुकड़े है ये। तो आज का ये मेरा नाश्ता है, जो ठीक है। यहाँ पर मतलब चाय भी दी है, इस पैकेट में थी, टी बैग इस पैकेट में थी, इसमें पानी गर्म किया वहाँ पे, और ये ब्लैक टी है, कुछ शुगर के जो दो टुकड़े थे मैंने इस पानी के अंदर डाले, और ये टी बैग है, इसे सिर्फ ऐसे करना है। अगर मैं बाहर जाऊँ तो ये जो ब्रेकफास्ट था तकरीबन मुझे 300 रुपीज़ के आसपास मिलता, तो आज थोड़ा सा सेविंग हो गया। तो भाई हॉस्टल में मेरे साथ ये एक क्यूबा से आए हुए जनाब है, वो मेरे साथ यहीं पे हॉस्टल में रह रहे हैं। ये इन्हें इंग्लिश नहीं आती, ये स्पेनिश आती है इनको, और ये गूगल पे ट्रांसलेट करके इंग्लिश में मुझे बता रहे कि यहाँ से रशिया कैसे जाना है, क्या करना है। तो इन्होंने मुझे अभी बताया है कि इन्होंने एक रशियन औरत से शादी की है, और वो उनकी औरत उलानुडे में रहती है, तो शादी करने के बाद जो प्रोसेस होती है उसके लिए वो यहाँ पे आए हैं मंगोलिया में। रशियन एम्बेसी में उन्होंने एक साल के वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है, एक साल के लिए, तो उनका पासपोर्ट भी अभी यहीं पे है रशियन एम्बेसी में, तो उनको कुछ दिनों के बाद वो पासपोर्ट मिल जाएगा एक साल का, उसके बाद वो वापस से रशिया में जाएंगे उनके वाइफ के पास। तो ये जनाब क्यूबा से है, और शादी इन्होंने रशिया के किसी औरत से की है, और इन्हें इंग्लिश नहीं आती, ये मेरा ट्रांसलेट करके मेरे से बात कर रहे हैं। व्हाट्स योर नेम? नेम मायाम। ओके गुड, थैंक यू। एक्चुअली बॉक्सिंग टीचर है, इनको देख के मुझे पहले से लग रहा था ये कुछ ऐसा ही कुछ काम करते होंगे। तो त्रिनिदाद करके जो वहाँ पे सिटी है क्यूबा के वहाँ पे, तो वहाँ पे ये बॉक्सिंग टीचर है, उनका ये वीडियो मुझे बता रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी खासी शख्सियत है इनकी, ये अच्छी तरह से बात कर रहे हैं मुझे मेरे से। गुड। साइन लगा हुआ है,
तो यहाँ पे गाड़ियाँ रुक जाती है। अगर ये जो क्रॉसिंग है यहाँ से किसी को जाना है तो गाड़ियाँ देखो कैसे रुक गई थी सभी। तो यहाँ पे ट्रैफिक के रूल इस तरह से है कुछ, अगर किसी को रोड क्रॉस करना है तब सिग्नल पे क्रॉसिंग का जो सिग्नल साइन लगता है तब अपने आप गाड़ियाँ सभी रुक जाती है। ये देखिए बस कैसी है यहाँ की, अपने आप सब गाड़ियाँ रुक जाती है और जो भी रोड के साइड में खड़े उन्हें दूसरी तरफ जाना है तो वो आराम से जा सकते हैं, उन्हें भागने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती जिस तरह से अभी ये लोग गए उस तरह से। ये यहाँ का बस स्टेशन है, कोई बस स्टॉप है और उसके पास में ही मेरा हॉस्टल है। नहीं है लेकिन यहाँ पे अभी कैसे है, ये जो क्रॉसिंग है यहाँ पे अगर कोई जा रहा है इसके ऊपर से तो गाड़ियाँ अपने आप खड़ी रह जाती है। देखिए यहाँ से वो बुढ़िया औरत आ गई, उसको देख के ये पीछे देखो कितनी बड़ी लाइन लग गई है, सब गाड़ियाँ खड़ी रह गई। अब मैं यहाँ से जाऊँगा तभी ये गाड़ियाँ रुक जाएंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा रुकता हूँ क्योंकि पीछे बहुत बड़ी लाइन लग चुकी है। तो ये गाड़ियाँ जाने के बाद मैं निकलता हूँ तब भी देखिए ये गाड़ियाँ कैसे रुक जाएंगी। यहाँ पे कोई सिग्नल विग्नल नहीं है, सिर्फ वहाँ पे एक सामने एक साइन है, तो साइन देख के अगर कोई यहाँ से जा रहा है क्रॉस कर रहा है रोड तो ये सब गाड़ियाँ पीछे रुक जाती है। तो मैं एक दो मिनट वेट करता हूँ। नहीं चलो ठीक है, अभी थोड़ी सी भीड़ कम हो चुकी है, निकलता हूँ फिर मैं अभी। ये देखिए गाड़ियाँ रुक गई हैं यहाँ पर, मैं जा रहा हूँ तो गाड़ियाँ पीछे कितनी देखे रुक गई है। और ये दोनों रोड के बीच में ये कुछ साइकिल ट्रैक है या टू व्हीलर ट्रैक है और लोगों को चलने के लिए यहाँ से बीच में से दोनों रास्ते के बीच में से एक दूसरा अलग से रास्ता बनाया हुआ है। और यहाँ पर भी देखिए अभी मुझे उस तरफ जाना है रोड के, तो देखते हैं यहाँ पे कैसे गाड़ियाँ रुकती है या नहीं रुकती है। ये देखिए यहाँ पर साइन है ऐसा ही, और यहाँ से अगर मैं जाता हूँ तो शायद से गाड़ियाँ रुक जाएंगी। कुछ रुक गई है, देखो ये भी रुक गई है। तो ये सिस्टम है यहाँ का, इससे हमें सीखना चाहिए कुछ। दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा पता नहीं, लेकिन ये स्नोफॉल जैसा लग रहा है। ये देखिए कुछ उड़ के आ रहा है ऊपर से, ये जो एक कॉटन जैसा कुछ है ये ऊपर पेड़ पे जो लगा है वो धीरे धीरे टूट के सब तरफ ऐसे जैसे कि स्नोफॉल हो रहा है। ये देखिए ऊपर गूगल मैप जो है, गूगल मैप के सहारे अभी मुझे रोड क्रॉस करके वो साइड में जाना है। तो यहाँ पे मुझे कुछ यहाँ से जाने का रास्ता लग रहा है मुझे, यहाँ से लोग तो नहीं दिख रहे तो शायद यहीं से हो सकता है, नीचे जाके फिर उस तरफ निकल सकते हैं। तो ये रोड लेकिन निकलेगा कहाँ से थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चलो ठीक है चलते हैं। शायद मुझे यही रास्ता लग रहा है वहाँ से, यहाँ से निकलने बाहर निकलने का जहाँ पे मुझे जाना है। तो देखता हूँ मैं सही जगह पे आया हूँ या ओ गलती कर दी। नहीं 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 यहाँ से नहीं, मुझे थोड़ा सा आगे से फिर आगे निकलना है, आगे से टर्न लेना है मुझे। शायद उस साइड से निकलना है मुझे, मैं गलत रास्ते चला गया था, वहाँ से ऊपर जाना है। बाहर आया हूँ तो हाँ यही है, मुझे जहाँ पे निकलना था सही जगह पे आ गया अभी मैं। वो वहाँ पे था मैं, आप देख सकते वहाँ से अंदर गया और फिर ये साइड से यहाँ पे आया मैं। और मैं मैप पे जो देख रहा हूँ तो ये रास्ता बता रहा है मुझे आगे जाने के लिए। ये देखो बस यहाँ की कितनी खूबसूरत बस है। म्यूज़ियम जा रहा था तो बीच में मुझे एक जगह दिखी, वहाँ पे ये बोर्ड दिखा मुझे, आप देखिए यहाँ पे ठीक तरह से यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे 3 से 4 रेस्टोरेंट है अलग अलग से, और सबसे अगर नीचे आप देखेंगे तो देखिए क्या लिखा है, नमस्ते इंडियन रेस्टोरेंट, और ताजमहल का वहाँ पे पिक्चर है साइड में। तो ये फर्स्ट टाइम मुझे ये मंगोलिया का जो कैपिटल है उलान बातर वहाँ पे फर्स्ट टाइम मुझे कोई इंडियन रेस्टोरेंट दिखा है। तो अभी यहाँ पे खाऊंगा या खाना है या नहीं खाना है मैं बाद में डिसाइड करूँगा।
तो देखता हूँ, अभी आगे जाता हूँ, मुझे म्यूज़ियम ढूंढना है अभी कहाँ पे है। अभी भी थोड़े डिस्टेंस पे है, तो बाद में सोचूंगा मैं कि यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट में जाना है या नहीं जाना है, क्या करना है। लिया अपना जो ये उलानबातर है, ये कैपिटल जो है, यहाँ पे मुझे मॉल्स बहुत जगह पे दिख रहे हैं, बहुत सी जगहों पे। अभी मैं वो सिटी के दूसरी बाजू में आया हूँ चलते हुए, तो सामने यहाँ पर आते ही मुझे एक बड़ा सा मॉल दिखाई दे रहा है, वी मार्ट करके है, और ये बहुत बड़ा मॉल है। अभी अंदर जाने का ऐसा तो कोई प्लान नहीं है मेरा अभी तक, तो क्योंकि अभी मुझे म्यूज़ियम में ही जाना है, थोड़ा घूमना फिरना है। अगर टाइम मिला तो फिर मैं इसके अंदर से एक चक्कर मारूंगा, तो आपको दिखाऊंगा अंदर कैसा है क्या है। तो अभी चलते हैं। वहाँ से एम्बुलेंस आ रही है, और रोड पे पूरा ट्रैफिक हो चुका है, वो फिर भी ड्राइवर कोशिश कर रहा है, गाड़ियाँ उसे देखो अब जा रही है, लेकिन आगे आप देखेंगे तो बहुत सा ट्रैफिक हुआ है। तो ये टाइमिंग पे पहुँचेगी या नहीं पहुँचेंगी हॉस्पिटल, पता नहीं। लग चुका है, तो हम जा रहे हैं आराम से, और सभी ये गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी है। ये आधे घंटे से चल रहा हूँ, और जो म्यूज़ियम है वो यहीं आसपास कहीं पे होना चाहिए, तो मुझे पूछना पड़ेगा कहाँ पे है वो। शायद से ये हो सकता है, यहाँ पे मुझे इंक्वायरी करके देखना पड़ेगा। वो जो सामने जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, वो म्यूज़ियम है। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये म्यूज़ियम है, तो वहीं पर मुझे जाना है अभी। ये देखिए बाहर से म्यूज़ियम कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है ये। ये देखिए ये म्यूज़ियम कितना बड़ा है, आप देख सकते हैं कैमरे में। तो अब अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा देखना है, यहाँ पे कोई टिकट सिस्टम है या ऐसे ही जा सकते हैं, पहले देखता हूँ एग्जैक्टली कैसे क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चंगेज खान म्यूजियम। ओके ओके थैंक्स। तो अभी ये छोटी सी लड़की है, इसने मुझे बताया, मुझे पहले लगा कि इंग्लिश आएगा नहीं आएगा, लेकिन अच्छी तरह से इंग्लिश बोल रही थी। तो इसने बोला कि ये जो म्यूज़ियम है, इसके आप इस डोर से अंदर जाइए, फिर अंदर में जाने के बाद आपको यहाँ का टिकट मिलेगा। तो ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पर ये कुछ टिकट है। हाउ मच यू पर फॉरेन दिस? 30,000। ओके वेयर कैश कैश कार्ड एक्सेप्ट कार्ड देयर? ओके तो भाई कैश और कार्ड ये दोनों यहाँ पे चलते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ, मेरे पास जो मेरा जो कार्ड है एटीएम कार्ड फॉरेक्स का, उससे करने की कोशिश करता हूँ मैं। थर्टी थाउजेंड मतलब मुझे थोड़ा हिसाब लगाना पड़ेगा। एज नेशनल इंडिया इंडिया कैमरा नो नो लाउड नो इनसाइड कैमरा ओके कुछ कैमरा नहीं बोल रहे, इनसाइड कैमरा अलाउड नहीं है। तो मैं ठीक है, देखता हूँ फिर अभी क्या करना है। यहाँ पे मेट्रो जैसा मुझे लग रहा है कुछ, यहाँ पे टिकट स्कैन करके ये दरवाज़ा खुलेगा। कैमरा क्या बोला मुझे समझ में नहीं आया, इनसाइड में अलाउड है कैमरा या नहीं है पता नहीं। मैं निकल रहा हूँ अभी ऐसे, अगर किसी ने टोक लिया तो फिर देखूँगा। देखिए इस तरह से ये म्यूज़ियम, अभी ऊपर जा रहा हूँ मैं, ऊपर जाके देखता हूँ। चंगेज खान से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती है यहाँ पे। चंगेज खान के बारे में आप सबको पता ही होगा कि उसने लगभग बहुत सी मतलब मंगोलियन रीजन, आप पुराने ज़माने का अगर देखेंगे तो उसने बहुत सी लड़ाइयाँ की थी, और कोई भी लड़ाई वो हारा नहीं था। और बहुत से जियोग्राफिकल आप जो जब मंगोलिया का नक्शा देखेंगे पुराने ज़माने का, तो लगभग ये इंडिया तक आ चुका था।
तो हिस्ट्री आप इसकी चेक कर सकते हैं। का ये म्यूज़ियम था और अभी मैं वहाँ से निकल चुका हूँ, कुछ रिकॉर्डिंग ज़्यादा कर नहीं सका। जो वहाँ से मैं निकल रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, और नीचे जाके यहाँ पे और कुछ देखने लायक है या कुछ मैं ऐसा ढूंढता हूँ। अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर खाना खा के वापस से मुझे हॉस्टल में जाना पड़ेगा, क्योंकि कल सुबह मुझे यहाँ से रशिया के लिए निकलना है। रशिया का जो उलान उड़े है वहाँ पर निकलना है। और एक्चुअली हुआ ऐसे है यहाँ पर कि वहाँ पे जो सुबह जो बॉक्सर भाई जो था, मैंने आपको फ्रीडम बताया क्यूबा का, तो वो बोल रहा था कि मैं तुम्हें कल सुबह छोड़ने के लिए आता हूँ रेलवे स्टेशन, तुम्हें पता नहीं यहाँ का ऐसा वैसा, तो ज़्यादा पैसे लेंगे तुमसे, मैं आता हूँ, मैं बुक करके देता हूँ ऐसे वैसे। तो मुझे थोड़ा सा फिर डाउट हो रहा है, डाउट मतलब वो शायद से वो ईमानदारी से बोल भी रहा होगा, मेरी हेल्प भी कर रहा होगा, लेकिन कैसे कि रिस्क नहीं ले सकते यार, वो इतना मेरे लिए क्यों आ रहा है वहाँ पे, तो ये रिस्क मैं नहीं ले सकता। तो देखूँगा अभी कैसे हो रहा है कल। ये देखो और कुछ टूरिस्ट लोग आए हैं यहाँ पे म्यूज़ियम देखने के लिए, ये मुझे कुछ जापान के लग रहे लोग रख ले, मतलब ये टूरिस्ट जापान के हैं शायद, ये उनके साथ गाइड भी है। ये यहाँ पे ये ऐसे कुछ साइकिल्स होती है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक साइकिल जैसी है, और यहाँ पे इसका QR कोड है, ये देखिए ये QR कोड है। तो इसका एक ऐप होता है, उस ऐप से आप डाउनलोड करके ये आप बुक कर सकते हैं, और जहाँ पे आपको जाए यहाँ से लेके जहाँ पे आपको जाना है, जहाँ पर आपको जाना है वहाँ पर आप छोड़ के आगे जा सकते हैं। उसका जो भी रेंट रहेगा वो दे के मोबाइल पे, मोबाइल का जो ऐप है वहाँ पे बुक करना होता है, वहाँ पे बुक करके आप जहाँ पे जा रहे हैं वहीं पर इसको छोड़ सकते हैं और आगे जा सकते हैं। तो ये चाइना जैसा है, चाइना में भी रेंट पे साइकिल मिलते हैं इसी तरीके से, और इलेक्ट्रिक साइकिल्स है यहाँ पर भी शायद उतना नहीं है, लेकिन है यहाँ पर भी। मैं जगह जगह पे देख रहा हूँ अभी, कुछ कुछ जगह पे ऐसे देखे, ये लड़की भी जा रही है, इसने भी शायद से ये ऐप से ही इसने रेंट देखे, रेंट पे ही साइकिल ली है और ये जा रही है अभी यहाँ से। पार्लियामेंट के पास में ही है, कुछ UB स्क्वायर ऐसा कुछ कहा जाता है इसे, ये एक्चुअली यहाँ पे पार्लियामेंट है, ये बहुत बड़ा पार्लियामेंट है ये मंगोलिया का, उलानबातर में। उलानबातर को शॉर्टकट में यहाँ पे UB कहा जा रहा है, पूरा नाम नहीं लेते, UB शॉर्टकट में कह रहे हैं लोग। देखो चंगेज खान की वहाँ पे मूर्ति भी लगी हुई है। हमारे यहाँ जैसे हर स्टेट में वहाँ के जो राजा थे पहले, उनको बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है, जैसे कि हमारा महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज है, MP में पृथ्वीराज चौहान है, ऐसी जो राजा होके गए पहले, जो जहाँ पे जिस जगह पे रिस्पेक्ट दिया जाता है उनको, तो यहाँ पे उस तरीके से चंगेज खान करके यहाँ पे बहुत बड़ा एम्पायर था पहले, सैकड़ों साल पहले, तो अभी तक लोग उनको यहाँ पे मानते हैं। जगह जगह पे उनकी मूर्तियाँ हैं, उनके नाम से म्यूज़ियम है, उनके नाम से रोड भी है यहाँ पे चंगेज खान के नाम से। और उस तरफ देखिए ये कुछ अलग सी बिल्डिंग है ये जगह पे, ये जो स्क्वायर है इसे UB स्क्वायर कहा जाता है, उसी तरीके का है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत से टूरिस्ट वगैरह है, सामने देखिए आप चंगेज खान का कितना बड़ा स्टैचू लगा हुआ है। शायद चाइना और जापान से टूरिस्ट आए हुए बहुत सारे। सोलो ट्रिप का एक डिसएडवांटेज ये है, अगर आपको खुद का फ़ोटो अगर निकालना है तो थोड़ा सा मुश्किल जाता है, किसी को पूछना पड़ता है कि आप कैमरा पकड़िए, मेरा फ़ोटो यहाँ पे निकालिए। अब मैं यहाँ पे फ़ोटो मेरा निकालना चाहता हूँ इसके सामने, लेकिन कोई है नहीं यहाँ पे आसपास में। चलो कोई बात नहीं, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है वैसे। You are painter? Yeah, okay, yes, okay. Yes.
दिस इज योर पेंटिंग. गुड गुड गुड. ओके ओके दैट्स गुड. ये लेडी यहाँ पे पेंटिंग बेच रही है और मुझे पूछ रही है लेना है क्या, लेकिन मैं क्या करूँगा. आई एम कुछ मंगोलिया के कुछ घोड़े हैं. थैंक्स. यहाँ पे कुछ हो रहा है शायद से, कुछ कंपटीशन है क्या है एग्जैक्टली पता नहीं. ये कुछ टेंट लगे हुए हैं और यहाँ पे कुछ ये लोग खड़े हैं, तो पता नहीं एग्जैक्टली ये क्या करना चाहते हैं यहाँ पे. वो वहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि क्या करना है आप लोगों को. तो अभी मैं एक जगह पे आ चुका हूँ, मुझे भूख लगी थी. तो ये मॉल की एक जगह है, मॉल के अंदर एक छोटे से एक शॉप है. शॉप में ये पैकेट में ये बेच रहे थे, मतलब रखा हुआ था वहाँ पे. कुछ यहाँ पे देखिए आप, ये राइस है, ये कुछ राइस जैसा ऐसा कुछ क्या, अभी खाने के बाद ही पता चलेगा यार क्या है ये. ये कुछ चिकन है और ये कुछ अभी क्या है पता नहीं, ये खाने के बाद ही देखूँगा कैसा लग रहा है. सेक्शन में आया हूँ, यहाँ पे डी मार्ट जैसा है, मतलब हमारे रिलायंस मार्ट वगैरह जैसा होता है ना वैसा है. तो यहाँ पे एक कुछ लैपटॉप वगैरह रखे हैं. तो आप इनकी कीमत देखिए ज़रा, इसकी देखिए, ये 32,99,900 में है, ये 43,99,000, ये 38,99,900, ये सभी i5 है, सब 29 लाख के ऊपर ही है. मतलब ये 29 लाख तुगरे के, आप घबराइए मत, ये 29 लाख 30 लाख ये तुगरे के, अपने हिसाब से इनकी कीमत 71,000 से 75,000 या 80,000 तक हो रही इनकी कीमत. ये शायद इनका कोई ओल्ड एज लोगों का कोई प्रोग्राम है, क्योंकि ज़्यादातर वही लोग हैं यहाँ पर. और यहाँ पे देखिए ये ग्रिप्स कैसे कितने बड़े बड़े हैं, ये काले हैं, पीले हैं, ये हरे हैं. और अभी देखता हूँ ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा है सब रेट. अभी ये मैंने 4 संतरे खरीदे हैं, तो देखिए ये कितना बोल रही है. हाउ मच? 3,390. अच्छा, 2,790 तुगरी. मतलब अभी मुझे मेरे इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 4 संतरे यहाँ पे कितने कितने रुपए में आ रहे. 2790 तुगरी हो गया इनका, तो फिर अपने इंडियन रुपीस के हिसाब से यहाँ पे हो रहा है कितना हो रहा है. 2790 × 42 = 66-67 रुपीस के. ठीक है, ज़्यादा महंगा तो नहीं है, लेकिन ओके है. ओके दीजिए, बांध के दीजिए. कहाँ पे? इनको क्या समझ में आने वाला हिंदी. केले नहीं चाहिए, सिर्फ संतरे ही चाहिए. ओनली संतरा. ओके ओके ओके. अभी केले लिए तो केले तो 80 रुपये में जाएंगे, मुझे पता है. 4 केले 80 या 90 रुपये में यहाँ पे मिल रहे, मैंने कल खरीदे थे यहाँ से. करोड़पति बन चुका हूँ. लाओस में भी करोड़पति बन गया था. वहाँ से मैं चीन गया, चीन में फिर से गरीब बन गया. और चीन से मैं अभी मंगोलिया आया, मंगोलिया में फिर से करोड़पति बन गया. लाखों में खेल रहा हूँ यहाँ पे, लाख लाख रुपये के नोट मिल रहे हैं मुझको यहाँ पे. ये दिखे, ये दिए दिए इन्होंने, हज़ार हज़ार के नोट दिए. ये मेरे संतरे, ये मेरे नोट, और निकलता हूँ. ओके, वो हमारे. और मैं यहाँ पे पता कर रहा हूँ कि कल कौन सी बस, पहली बस और पहली ट्रेन यहाँ से उलान बातर से उलान उड़े के लिए जाएगी रशिया बॉर्डर तक. ये पता करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी यहाँ पे.